भी थी कि इन्होंने एग्जाम दी, क्यों नहीं आई थी 2018 की बेटी, चाहे दलित अध्यापक भर्ती हो चाहे पीटीआई भर्ती हो, बस उसी का सिर्फ कोर्ट में टके, बीएसटीसी वाले भटके उनकी एग्जाम नहीं हो रही, 2016 वरिष्ठ अध्यापक वाले सुप्रीम कोर्ट से फैसला लिया है, उनकी क्यों सूची नहीं जारी हो रही, क्यों तानाशाही कर रहे हैं, उनकी चेतावनी ताला भी ठोकेंगे और विरोध भी करेंगे और काला झंडी भी दिखाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि सरकार को गर्व के नेता के काम अधिकारी को लापरवाही कर रहे हैं, आने वाले उपचुनावों में इसका नुकसान हो सकता है, अभी भी समय है, अधिकारी की जिम्मेदारी तय करें, प्रदेश के बेरोजगारों को न्याय प्रदान करें, उनकी सारी सूचियां जारी हो और उनको नौकरी मिले और जो गलती करें उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसको लेकर आज हम यहाँ पूछे हैं, आज विधायक दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और यदि भविष्य में इन्होंने गलतियां नहीं सुधारी तो राजस्थान का हर युवा बेरोजगार सड़कों पर उतरेगा, दिल्ली भी कूच करेगा और बड़ा आंदोलन भी करेगा, जिसकी जो अनहोनी होती है इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री पर कि वो कार्रवाई करेंगे, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेंगे, जो तमाम रिक्त पद है, चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018-16 की एक और सूची का मामला हो, चाहे प्रतीक्षा सूची पीटीआई भर्ती का मामला हो, जो पशु चिकित्सक भर्ती कोर्ट में लंबित है उसको बाद में करने का मामला हो, एग्जाम का मामला हो, तमाम लेकर हम लगातार।